गुल्ली बुल्ली और शॉन के साथ बाहर गए हुए थे, मगर रास्ते में ही इनकी स्कूटर खराब हो गई और ये किसी से मदद मांगने की कोशिश कर रहे हैं। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली हम यहाँ कब से खड़े हैं, मगर कोई गाड़ी वाला क्यों नहीं आ रहा है। ये तो शॉन के कहते ही सामने से कार आने लगी। बुल्ली कहता है कि जल्दी रोको इसको, ये हमारी मदद कर सकता है। ये कार वाला तो गुल्ली को उड़ा ही देता। गुल्ली कहता है कि ये क्या था, मैं तो बाल बाल बचा, मगर इसने गाड़ी रोकी क्यों नहीं, हम उसे भूत दिखाई दे रहे थे क्या। तभी यहाँ एक बस आती है। ड्राइवर इन्हें देख के कहता है कि तुम लोगों की गाड़ी खराब हो गई है लगता है, आ जाओ बस में बैठो, मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ। ये तीनों यहाँ बस को देख के बहुत खुश हैं और इसके अंदर आके बैठ गए। बस में थोड़ी ही देर रहने पे इनको अजीब सी बदबू आने लगी। गुल्ली कहता है कि ये बदबू कहाँ से आ रही है, किसका हाथ है इसके पीछे। बुल्ली कहता है कि गुल्ली देख नहीं रहे हो क्या, बस कितनी पुरानी है, ये सब तो आम बातें हैं, चुपचाप बैठ जाओ नीचे। ये पीछे से इन्हें कौन देख रहा है। शॉन कहता है कि तुम लोगों ने वो देखा क्या, मुझे उधर अभी कोई दिखा। बुल्ली कहता है कि मुझे तो कोई नहीं दिख रहा शॉन, क्या पता अंधेरे में तुमने किसी जानवर को देख लिया हो। इनकी बस के ऊपर तो दो कंकाल बैठे हुए हैं। बुल्ली ड्राइवर से कहता है कि अभी हम कहाँ तक आए हैं, काफी समय हो गया अब तक हम पहुँचे क्यों नहीं। ड्राइवर कहता है कि हाँ बस पहुँच ही गए, जरा सा टाइम लगेगा बस, और तुम लोग तब तक थोड़ा सा सो क्यों नहीं जाते हो, मैं पहुँचते ही तुम लोगों को उठा दूंगा। इसकी बात मान के तीनों सोने लगे, मगर खिड़की से कंकाल गुल्ली को ही देख रहा है और दूसरे कंकाल ने गुल्ली और शॉन को नजर रखी हुई है। तभी हड्डियों की आवाज से शॉन की नींद खुल जाती है और अपने सामने कंकाल को देख के इसकी चीख निकल गई, कोई बचाओ यहाँ जिंदा कंकाल है। मगर दोनों पैसेंजर तो खुद कंकाल में बदल चुके हैं और बस का ड्राइवर भी एक भूत में बदल चुका है। गुल्ली और बुल्ली भी शोर सुन के उठ गए और सामने कंकाल को देख के इनको अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। गुल्ली कहता है कि शॉन ये क्या हो रहा है और तुम लोग हमें बचा क्यों नहीं रहे हो। तभी ये देखते हैं कि सामने के सभी इंसान भूत में बदल चुके हैं, दरअसल ये एक शापित बस में बैठ चुके हैं। बुल्ली कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या, हम ऐसे डरने वाले नहीं हैं। इस कंकाल ने अपना सिर निकाल के इसके सामने ला दिया। ये भूत कहता है कि तुम हमारे कब्जे में हो और हम तुम्हें अपने अड्डे पे लेके जा रहे हैं। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली हमें मार के खाने वाले हैं क्या, मुझे बहुत डर लग रहा है। कंकाल कहता है कि चिंता मत करो, हम तुम्हें खाने नहीं वाले हैं। भूत कहता है कि जल्दी बाहर निकलो, हमारी मंजिल आ चुकी है। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली इन्होंने यहाँ पे बॉक्सिंग रिंग क्यों रखी है, वो यहाँ पे बॉक्सिंग करने वाले हैं क्या। भूत कहता है कि रुके क्यों हो, जल्दी आगे बढ़ो। ये सभी यहाँ के खड़े हो गए हैं। कंकाल कहता है कि सरदार गोलू कहाँ है, वो तो यहीं रहने वाला था, मुझे लगता है वो सो चुका है, जरा तुम जाके उसको लेके तो आओ। गुल्ली कहता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, कोई हमें भी बताएगा या नहीं। भूत कहता है कि तुम लोगों का मुकाबला किसी से होने वाला है और अगर तुम हार गए तो हम सब मिलके तुम्हें मार के खा जाएंगे। शॉन कहता है कि मगर तुमने तो कहा था तुम हमें नहीं खाओगे, तुमने हमसे झूठ बोला। कंकाल कहता है कि कितने भोले हो तुम, शापित बस में बैठे भूतों की बात कैसे मान गए, तुम बहुत ही बेवकूफ हो। इसके साथ गोलू आ रहा है, मगर ये गोलू तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। गुल्ली कहता है कि इससे लड़े तो हम गए काम से, मेरी बात मानो इसकी बस लेके भाग जाते हैं। ये लोग फौरन बस की तरफ भाग गए, मगर इस गोलू ने शॉन को पकड़ लिया और गुल्ली बुल्ली इस पे ध्यान दिए बिना यहाँ से निकल गए। कंकाल कहता है कि सरदार आपने उन्हें जाने क्यों दिया, अब हम क्या करेंगे। ये कहता है कि चिंता मत करो, वो शापित बस है, मेरे अलावा उसे जो चलाएगा उसका काम तमाम समझो, बस देखो कुछ ही देर में वो खुद यहाँ आएंगे। शॉन कहता है कि मुझे जाने दो वरना मैं तुम सबको बहुत मारूंगा। गुल्ली बुल्ली बस लेके आगे बढ़ रहे हैं। बुल्ली कहता है कि अच्छा हुआ हम तीनों बच गए, मुझे लगा था आज वो हमें मार ही देंगे। तभी गुल्ली का ध्यान शॉन पे गया।
और उसको बस में ना पाके परेशान हो चुका है। बुल्ली कहता है कि क्या हो गया गुल्ली, कोई दिक्कत है क्या? गुल्ली कहता है कि बुल्ली शायद हमने शॉन को उसी जगह छोड़ दिया। बुल्ली कहता है कि ये क्या कह रहे हो तुम, जरा पूरे बस में ध्यान से देखो, कहीं वो सो तो नहीं रहा है ना। गुल्ली बस में शॉन को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा है, मगर शॉन पूरे बस में नहीं है। गुल्ली कहता है कि अब क्या करे बुल्ली, वो बस में नहीं है, अब तक उसको उन भूतों ने पकड़ लिया होगा। बुल्ली कहता है कि तब तो हमें उसे जल्दी बचाना होगा। ये लोग वापस उनके अड्डे पे जा रहे हैं। इधर भूत और कंकाल गुल्ली गुल्ली का इंतजार कर रहे हैं, मगर ये शॉन रिंग के अंदर क्या कर रहा है, कहीं गोलू से लड़ाई करने वाला है क्या? कंकाल कहता है कि ध्यान रखना गोलू, हमें उसे जान से अभी नहीं मारना है। शॉन कहता है कि अब देखो, तुमने मुझे पैरों से दबाया था ना, अब मैं तुम्हें अपने पैरों से दबा के तुम्हारी चटनी बना दूंगा। शॉन इस पे हमला करने जा रहा है, शॉन तो खुद ही ढेर हो गया, और गोलू इस पे हंसे जा रहा है। ये तो शॉन को पैरों से मारे जा रहा है। गुल्ली बुल्ली इधर आ गए। गुल्ली कहता है कि बुल्ली ये बस लेके उनके ऊपर ही चढ़ा दो, उनका खेल खत्म हो जाएगा, फिर हम शॉन को लेके भाग जाएंगे, कैसा लगा मेरा आइडिया? इन लोगों ने तीनों को उड़ा दिया, मगर इनकी तो बस ही पलट गई। मॉन्स्टर ये सब देख के बहुत गुस्से में आ चुका है और ये बस में से इनको निकालने की कोशिश कर रहा है। बुल्ली कहता है कि यही मौका है बुल्ली, इससे बच के शॉन को लेके निकलते हैं इधर से। शॉन होश में आ चुका है और मॉन्स्टर को बस पे हमला करता देख के खड़ा हो गया। इसने पत्थर लेके इसके सिर पे मार दिया। मॉन्स्टर अब इसकी ओर ही देखने लगा है। शॉन अपनी जान बचा के भागने लगा। मॉन्स्टर भी इसको पकड़ने के लिए जा चुका है। गुल्ली कहता है कि आखिर ये कहाँ चला गया, आओ जरा देखते हैं। सामने का नजारा देख के बहुत घबरा गए। बुल्ली कहता है कि वो मॉन्स्टर तो शॉन के पीछे है, बुल्ली आओ जल्दी चलें। अचानक बुल्ली को हो क्या गया, ये तो वही भूत खड़ा है और इसके हाथ में एक आरी है। अब ये बुल्ली की तरफ आने लगा। बुल्ली से बचने के लिए बस में छिप गया, मगर ये भूत इस बस को ही काटने में लग चुका है, और अगर इसने बस को काट दिया तो ये गुल्ली को मार देगा। मगर अच्छा हुआ शापित बस को काटना बहुत मुश्किल है, मगर गुल्ली को जल्दी ही कुछ करना होगा। गुल्ली बस में कुछ काम का ढूंढ रहा है। इधर बुल्ली अभी भी जिंदा है, मगर इसको इस भूत ने देख लिया। ये कहता है कि तुम मरते क्यों नहीं हो, ये बुल्ली को दोबारा मारने लगा। गुल्ली को इधर कुछ मिल चुका है और अभी ये इसको ठीक कर रहा है। शॉन अभी भी मॉन्स्टर से भाग ही रहा है, लगता है इसने मॉन्स्टर को कहीं घुमा दिया। तभी ये बुल्ली को मार खाता हुआ देख लेता है। ये बड़ा सा पत्थर लेके भूत पे हमला करने जा रहा है। ये कहता है कि भूत बुल्ली को छोड़ दो, वरना ये पत्थर मैं तुम्हारे सिर पे दे मारूंगा। भूत कहता है कि दम है तो हमला करके दिखाओ, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। शॉन का निशाना तो लाजवाब है। भूत कहता है कि हा हा हा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, अब तुम्हारी बारी है। शॉन इससे बच के भागने लगा। ये कहता है कि अब बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये पीछे से तो मॉन्स्टर आ रहा है। गुल्ली ने भूत पे गोली चला दी, इसने खुद को बचा लिया। भूत कहता है कि तुम्हें अपना निशाना सुधारने की जरूरत है, इससे बढ़िया तो मेरा मॉन्स्टर निशाना लगा सकता है। इसने शॉन को पकड़ लिया। शॉन कहता है कि गुल्ली मुझे बचाओ, ये मॉन्स्टर मुझे खा जाएगा। गुल्ली ने इसके चेहरे पे गोली चला दी। ये कहता है कि तुम ठीक तो हो ना शॉन? भूत तो चाकू लेके इसकी ओर ही आ रहा है। गुल्ली बाल बाल बचा। शॉन कहता है कि तुमने कमाल कर दिया गुल्ली, दोनों का खेल खत्म, जल्दी बुल्ली के पास चलते हैं। गुल्ली बुल्ली जिंदा तो है ना, मत बोलना कि हमने इसको खो दिया। गुल्ली कहता है कि डरने की बात नहीं है शॉन, बस बेहोश है बुल्ली, दोनों मिलके इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। गुल्ली और शॉन मिलके इसको उठाने की कोशिश करने लगे, मगर गुल्ली तो इनकी सोच से भी ज्यादा भारी है।
शॉन कहता है कि अब क्या करें, इसको खींचना तो बहुत मुश्किल है। तभी भूत खड़ा होने लगा और तभी शॉन भी इसे खड़ा देख लेता है। शॉन कहता है कि गुल्ली वो भूत दोबारा कैसे खड़ा हो गया, वो तो मारा गया था ना। गुल्ली कहता है कि वो छोड़ो शॉन, पहले छिपो जल्दी कहीं। ये भूत अभी मॉन्स्टर के पास जा रहा है ताकि उसे होश में ला सके। मॉन्स्टर कहता है कि कौन हूँ मैं और तुम कौन हो भद्दी शक्ल के। भूत कहता है कि मुझसे भद्दी शक्ल तो तुम्हारी है, अभी खुद को शीशे में देखा है क्या? खैर चलो अभी उन दोनों को सूंघ के ढूंढो। दरअसल इस मॉन्स्टर की सूंघने की शक्ति काफी तेज है और अब ये इन्हें सूंघते हुए बुल्ली के पास आ रहा है। मगर वो दोनों है कहाँ पे? मॉन्स्टर कहता है कि मुझे उन दोनों की बदबू यहीं से आ रही है, जरूर वो यहीं कहीं हैं। भूत कहता है कि मैं समझ गया, एक काम करो, बस पे कूद कूद के इसको पिचका दो, फिर देखो क्या होता है। मॉन्स्टर कहता है कि इससे तो शापित बस टूट जाएगी ना। भूत कहता है कि बिल्कुल नहीं, शापित बस को कुछ भी होने के बाद ये वापस सही हो जाती है, इसकी चिंता मत करो तुम। मॉन्स्टर बस को पिचकाने लगा मगर अच्छा हुआ दोनों बस में ना छिपके इनके घर में छिपे हैं। बिल्ली कहता है कि लगता है वो बस के साथ मारा मारी कर रहे हैं, हमें थोड़ी देर और यहाँ बैठना होगा। मॉन्स्टर कहता है कि भूत इसमें तो कोई नहीं है, बेकार में ही बिचारी बस को तुड़वा दिया तुमने, देखो कैसे बर्बाद हो गई ये। भूत तो बुल्ली की ओर देखने लगा। भूत कहता है कि अब लगता है इसको मारना पड़ेगा, अगर हमने इसका सिर काट दिया तो वो दोनों इसे देख के जरूर बाहर आएंगे, ये चाकू लेके इसे मारने के लिए तैयार हो चुका है। इसकी बात तो सही हो गई, गुल्ली और शॉन बाहर आ गए। मॉन्स्टर इन्हें देख के कहता है कि तुमने बाहर आके अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी है, अब देखो तुम्हारा क्या होता है। इसने इन पे हमला कर दिया और अब भूत भी खड़ा हो गया, इनका बचना तो अब नामुमकिन सा ही है। यहाँ से रॉड होते हुए जा रहा है क्या? तभी रॉड इस मॉन्स्टर का शोर सुन लेता है। रॉड भागा भागा इधर ही आ रहा है, ये कहता है कि तुम दोनों इधर देखो, आखिर हो क्या रहा है यहाँ। गुल्ली और शॉन इसके पास ही आ गए। गुल्ली कहता है कि रॉड इन लोगों ने हमें पकड़ के रखा है, हमारी मदद करो। मॉन्स्टर इस पे हमला करने आ रहा है, रॉड ने इसको जमा दिया। भूत ने तो रॉड को चाकू मार दिया है। रॉड बहुत गुस्से में आ चुका है और इसको गिरा के मारने लगा। बुल्ली कहता है कि रॉड अब हमें बस बुल्ली को किसी डॉक्टर को दिखाना है, वो घायल है। रॉड कहता है कि जैसा तुम कहो, चलो लेके चलें इसे। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।